नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो करियर में आज ये खबर उन लोगों के लिए है जिन्हें धर्म में रुचि है। अगर आपकी रुचि और थोड़ा बहुत आपके पास ज्ञान धर्म का है, चाहते हैं आपकी धर्म में अपनी जानकारी जुटाने की, तो आप करियर बना सकते हैं रिलीजन की फील्ड में। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कैसे मिलेगी नौकरी, कहाँ मिलेगी। कोई मुश्किल काम नहीं है। फिलॉसफी और रिलीजन की चाहत रखने वाले ये दो सब्जेक्ट्स हैं। जो रिलीजन तो सब्जेक्ट नहीं बना है, फिलॉसफी सब्जेक्ट है हम लोगों के कोर्सेज में, तो इसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। हम आपको बताते हैं कि क्या सिलेबस होगा एडमिशन लेने के लिए, क्या आवश्यक आपकी योग्यता होनी चाहिए, एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी, सभी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस कोर्स को जो भी छात्र पास करेंगे वो इस कोर्स से जुड़े हुए विषय में उनको स्नातक की डिग्री भी लेनी होगी। जब आप इंडियन फिलॉसफी की पहले बात कर लेते हैं, अगर आप 12वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो अधिकतर ऐसा होता है कि बड़े लोग हमारे घर के कहते हैं कि ढंग से पढ़ लिख लोगे तो आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे। अगर किसी को इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म की पढ़ाई में यदि आपकी दिलचस्पी है तो आपके पास रास्ता है। हम आपको ये विशेष जानकारी दे रहे हैं कि आप धर्म में रुचि रखते हैं तो इसी में अपना करियर भी बना सकते हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक पढ़ाई करनी होगी। भारतीय संस्कृति और धर्म की के विषय में जिज्ञासा रखने वाले छात्र, दिलचस्पी रखने वाले छात्र पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडियन फिलॉसफी एंड रिलीजन का कोर्स कर सकते हैं। ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इंडियन फिलॉसफी एंड रिलीजन। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, पीजी डिप्लोमा। ये एक साल का कोर्स है। इस कोर्स में आप हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को शामिल किया गया है। इसमें इसकी पढ़ाई आपको करनी होगी। ये पढ़ाई करने वाले जो लोग होंगे उन्हें सिंधु घाटी, हड़प्पा काल से लेकर आज तक जितने भी छोटे बड़े धर्म हैं उनके योगदान के बारे में बताया गया है। हम बता रहे हैं आपको कि क्या सिलेबस होगा इसमें, इसमें एडमिशन लेने के लिए आवश्यक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए और इस एडमिशन या दाखिला की प्रक्रिया क्या होगी। आपकी योग्यता जो रिक्वायर्ड है मिनिमम, वो ये है कि अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम इस कोर्स से जुड़े विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए। दैट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ अ मस्ट। स्टूडेंट्स जो भी हैं उनकी जो स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें कम से कम मार्क्स जो चाहिए 50% उनके मार्क्स होने चाहिए, यानी कि जो पासिंग मार्क्स जो होगा वो 50% का होना चाहिए आपके पास में। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं यानी कि आपको कोटा है तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 5% नंबर आपकी छूट मिलेगी, यानी कि 45% भी आपके बैचलर यानी ग्रेजुएशन की डिग्री में आपके टोटल मार्क्स हैं 45% तो आप कर सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वो हम बता रहे हैं, आपका एक पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, आपकी 12वीं और 10वीं और ग्रेजुएशन ये तीनों के सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास में, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसके दाखिले की प्रक्रिया यानी कि एडमिशन की प्रोसेस क्या है सुन लीजिए। पीजी इन फिलॉसफी एंड रिलीजन कोर्स में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन फिलॉसफी एंड रिलीजन कोर्स जो एडमिशन आप लेंगे उसके लिए कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट आपको चेक करनी चाहिए। हर कॉलेज का अपना एक अलग किस्म का हिसाब किताब है, अलग उनका प्रावधान है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा उस कॉलेज में एडमिशन के लिए। एंड कुछ में तो एंट्रेंस के लिए उन्होंने एग्ज़ाम भी रखा है, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। कई जगह पे बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के अगर आप पात्रता है आपके पास में जो हमने बताई तो आपको बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी दाखिला मिलेगा। कुछ कॉलेजेस में मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन मिलता है, तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि रिलीजन के फील्ड में आप अपना करियर बनाएं तो बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फील्ड में आपको भीड़ कम मिलेगी, कंपटीशन कम होगा और नौकरी आसानी से मिलेगी। चलता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे करियर के बारे में कोई दूसरी जानकारी लेकर। तब तक कहूँगा पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।